राम राम, नमस्ते, सुप्रभातम। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य सुश्वेतवारः कल्पस्य वैवस्वतन्मन्वन्तरः द्वितीयपरहदः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य शुक्लपक्षषष्ठीतिथिः बुधवासरः जुगाब्ध द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् सप्तसप्तधिकद्विसहस्रं फेब्रवरी मासस्य सप्तदशतारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमय भवतु इति विभुपदरविन्दये विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा: सफलता पाने के रास्ते में आपकी सफल बनने की इच्छा आपके असफल होने के डर से कई गुना बड़ी होती है। बोधकथा: अभिनाश नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उनकी पत्नी का नाम स्मिता थी और उनके दो बच्चे थे, राहुल और राखी। और उनके दादा दादी गांव में रहते थे, पर हर महीने दोनों शहर आते थे मिलने के लिए। उस दिन भी आए थे। अभिनाश रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा था। लगभग ट्रेन अपने टाइम पे आ पहुंच गई। अभिनाश के माता पिता ट्रेन से बाहर उतरे। अभिनाश ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कार में बिठाकर दोनों को घर ले आ गया। घर ले आते ही स्मिता ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। ये सुन राखी दौड़ चली आई अपने दादा दादी से मिलने के लिए, पर उनके दादा दादी अपने पोते को ढूंढ रहे थे, जो कि देखे तो राहुल मोबाइल लेके गेम खेल रहा था। ये देख स्मिता गुस्सा हो गई और मोबाइल छीन के ले गई और बोली, दादा दादी को प्रणाम करो। पर राहुल ने उसे नकार दिया। इस बात पर भी उसके दादा दादी ने उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि राखी पर चिल्लाने लग गए कि तेरे वजह से ही राहुल बिगड़ रहा है। राखी दादा दादी की राखी को पसंद नहीं करते थे, पर इस बात पर राखी को दुख नहीं हुआ। एक दिन राखी अच्छे नंबर से पास होकर ट्रॉफी लेकर आई, पर राहुल के इतने बुरे नंबर थे कि उसे चिढ़ाने लग गए थे। इस पर अभिनाश ने राहुल को साइकिल दी, पर राखी को सिर्फ एक चॉकलेट दी, वो भी उनके माँ ने दिए थे। दिन बीतता गया। राखी पढ़ाई करके अमेरिका के नासा में जाने के लिए मौका मिला। राखी इतनी फेमस हो गई कि समाचार में भी उसके नाम आने लगे, पर राहुल मौज मस्ती में अपनी जीवन गंवा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी लड़की या लड़के में फ़र्क करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जिसे हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगी, वही कब हमसे कितना आगे चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता।